नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं मंथली इनकम करता हूं स्टॉक मार्केट से। मेरे बेसिकली दो तरीके हैं मंथली इनकम जनरेट करने के अपने स्टॉक मार्केट में। पहला है डिविडेंड। मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जिनसे मुझे डिविडेंड मिले। अब डिविडेंड क्वार्टरली भी हो सकता है एंड डिविडेंड ईयरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। वैसे ही एडजस्ट करके आपको स्टॉक लेना पड़ेगा कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि मंथ का डिविडेंड कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1,200 रुपये मिलते हैं साल का डिविडेंड, तो मतलब मेरा 100 रुपये मंथली डिविडेंड इनकम हुई। सो पहली इनकम मैं जनरेट करता हूँ या मेरा इन्वेस्टमेंट होता है जिससे मुझे मंथली इनकम जनरेट हो, वो होते डिविडेंड के थ्रू। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा स्पेसिफिकली हो जाऊँगा कि मैं US मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ जिससे कि वहाँ से डिविडेंड मिले एंड इनकम जनरेट हो। दूसरी चीज़ है कि मैं जो इनकम जनरेट करता हूँ जिससे मेरा मेजर इनकम आती है, वो आती है बेसिकली कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से, जिसमें मेरे पास अंडरलाइन असेट होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ITC है। अब ITC मेरे पास कैश में स्टॉक रहता है और प्लस मैं ऊपर की कॉल बेचा करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10% या 20% ऊपर, या यूँ कह दीजिए कि अगर आपको भी कैलकुलेट करना कि कौन सी कॉल बेचें, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है उससे जस्ट एक लेवल ऊपर वाली कॉल बेच दीजिए। फॉर एग्जांपल, ITC चल रहा है कैश में 200 रुपये और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 210 रुपये वाली कॉल पे, तो आप 215 वाली कॉल बेच सकते हैं, बट अंडरलाइन असेट्स आपके पास होना चाहिए। और हाँ, जब भी आप कॉल राइटिंग करते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में समझ लीजिए, मेरी वीडियोस भी देख लीजिए एंड जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, नॉलेज गैदर कर सकते हैं, समझ के तभी कॉल राइटिंग करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स आर डेंजरस। दूसरी चीज़ है जो मैं ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए कवर्ड कॉल के साथ एक और स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, क्योंकि ये मार्जिन एफिशिएंट होता है। क्या मैं करता हूँ कि मैं एक कॉल बेच देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि अभी अंडरलाइन एसेट 200 पे चल रहा है, लेट्स अज्यूम ITC 200 पे चल रहा है और 210 पे सबसे ज़्यादा वो है ओपन इंटरेस्ट। सो मैं 215 वाली कॉल बेचता हूँ और 220 वाली एक कॉल ख़रीद लेता हूँ, तो जो उन दोनों कॉलों का डिफरेंस होता है वो बेसिकली मेरी नेट अर्निंग हो सकती है, अगर अंडरलाइन एसेट मेरी जो कॉल राइटिंग है उसके नीचे रहे, नहीं तो फिर हमें लॉस हो सकता है। लॉस लिमिटेड है, बट आप इसके बारे में भी समझ लीजिएगा, मैंने कई वीडियोस में समझाया है कि कैसे लॉस हो सकता है उसमें और कितना लॉस हो सकता है। मेरा अभी भी मानना यह है कि अगर आप कोई ऑप्शन या डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपना रिस्क प्रोफाइल समझ लीजिए, फिर कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करिएगा। ये जो मैंने बताया, ये बेसिकली मैं करता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है या मैं उसके बारे में पढ़ा है और मेरा इसका एक्सपीरियंस है। आपके लिए कुछ और भी बेनिफिशियल हो सकता है, बट जो ये है, मैं कमाता तीन ही तरीके से हूँ। पहली चीज़ है डिविडेंड, दूसरी चीज़ है कवर्ड कॉल और तीसरी चीज़ है मार्जिन एफिशिएंट। मैं स्प्रेड्स बनाता हूँ, कैलेंडर स्प्रेड या कोई भी आप स्प्रेड बना सकते हैं जिससे कि मार्जिन एफिशिएंट हो जाता है एंड आप अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। बट कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज आप मेरी वीडियोस में देखिए, वो एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है मंथली इनकम जनरेट करने का। आपको अनुमान होता है लगभग कितनी जनरेट हो सकती है इनकम, और उस अनुमान से आप बेसिकली अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ आई गेट द रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और जब मंथली इनकम होती है तो एक कॉन्फिडेंस होता है एंड आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना आपका मंथ पर मंथ जनरेट हो सकता है। फर्दर अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको गाइड करूँगा एंड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।